शौक तो अच्छा है, जिसको लग गया उसके मरते दम तक तो छूटेगा नहीं हमारी समझ से, और जिसके इसकी लीड जिसके नाक में लग गई तो उसका शौक जाना नहीं है, सारे नशे बेकार है इस नशे के आगे, ये मानिए। बढ़िया यार, क्या सीन है यार, बताओ यार क्या सीन है ये तो। तो बड़े बहुत से कौन सा वाला आपका कौन सा फेवरेट है? हेलो दोस्तों, इंडियन चालवास पर आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफ अनवर। मैं आया हुआ हूं बाराबंकी, यूपी में बाराबंकी के पास एक छोटा सा गांव है त्रिवेदीगंज। तो वहीं हमारे पास आज जो दिखाने के लिए हैं ना, बहुत शानदार शानदार घोड़े हैं, अश्वनी शुक्ला जी के हैं और बहुत ही शौकीन है। तो चलिए अश्वनी भाई से बात करेंगे। अश्वनी भाई, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया आते भाई, ठीक है? नमस्कार। और बताइए? सब बढ़िया, सब ठीक है, आप बताइए कैसे हैं? बढ़िया है, और देख के आपका शौक और मज़ा आ गया जी। ये बताइए, यूपी में आ जाओ भाई साहब, आप भी आ जाओ, सब आ जाओ, सब खड़े हो जाओ। यूपी में सबसे पहला सवाल, मारवाड़ी का शौक इतना नहीं है जी, लेकिन जी, आपके पास एक से एक शानदार मारवाड़ी नस्ल यहाँ पर पल रही है। अब हमारे मित्रों के पास अच्छे जानवर हैं, अच्छी ब्रीड के जानवर हैं, तो उनको देख के हमको भी शौक लगा। और हमारे मित्र हैं जिग्नेश भाई और जयदीप भाई अहमदाबाद, सब लोग, तो उन्हीं को देख के फिर हमको भी शौक आ गया और हमने भी उन्हीं से। और शौक भी ऐसे आया है कि शानदार शौक है जी, आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार शानदार घोड़े हैं इनके पास, कोल्ट है। अगर बात करें जो कुमैत कलर का है उसकी बात करें, उसका नाम क्या है सबसे पहले? उसका नाम द्रोणा है। अच्छा, और वो रवि का बेटा है। अच्छा, रवि का। अच्छा, रत्नाकर लाइन से है। तो आपके पास अभी कितना टाइम हो गया? वो मेरे पास वही करीब 2.5 महीने का आया था। अभी क्या एज हो गई इसकी? ये 15 महीने का लगभग है। अच्छा, 15 महीने की है। और हाइट की बात करें, कितनी हाइट हो गई अभी? 60+ है। 60+, इतनी एज में जी। तो मेन चीज जैसे ये था कि आपको मारवाड़ी का थोड़ा सा हिसाब किताब पता नहीं था जी, जब शुरू में आप आए, कितना टाइम हो गया? नहीं, एक्चुअली मैं 2016 से जानवर पाल रहा हूँ, और मेरे पास एक नुकरा स्टॉलियन महाराजा था जो मैंने जालोर में बेचा, मंगल सिंह के पास गया है, बहुत टॉप का है भी हो रही है उसकी, आप चेक करिएगा, देखिएगा, बहुत वो मैंने भी देखा है, बड़ा खूबसूरत घोड़ा है। और उसको देख, उसको बेचने के बाद फिर हमको ये हुआ कि अब हमको नुकरा नहीं रखना है, बड़ा दिल में अजीब सा महसूस हुआ, फिर मैं मारवाड़ी लाइन में चला गया। तो मारवाड़ी लाइन में आप गए, आप ये लेके आए, आपने इसकी बच्चे की लाइन बताई है, कौन सी लाइन? ये रत्नाकर लाइन का है। शो का ट्राई करा कभी? नहीं, अभी शो का ट्राई नहीं किया, अब तैयार कर रहा हूँ। तैयार तो है, लेके जाइए। ये भाई साहब आपका नाम क्या है? ये प्रवीण सिंह है, ये हमारे परम मित्र है, और घोड़ा लाइन में हमको लाने वाले यही है। तो आप ही हो जो चस्का लगाया है। तो जैसे बात करिए, अब आप शो में लेके जाएंगे जी, तो आप पहले शो में जाते हैं तो आपको क्या लगता है, आपका जो बछेरा है ये तैयार है शो के लिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से नहीं तैयार है तो तैयार हो जाएगा जी, जी। लेकिन कुछ कमियां होती हैं, लेकिन शो क्वालिटी ये होता है कि एक दिख जाती है वो इस घोड़े में है जी, जी जी जी। आप ये लाए तो आपको कैसे, आपको लगा कि भैया हमें क्यों लेना चाहिए? बस यही शो के लिए, और फार्मिंग का मूड है, आगे फार्म बनाएंगे। अच्छा, बड़ा फार्म बनाएंगे जी, और उसी के लिए 2 स्टॉलियन तैयार कर रहे हैं जी जी। बात करें जैसे आप, एक तो आपका हो गया ये कुमैत कलर का जी, जी। दूसरा आपका जो बच्चा उस ग्रे जी, जी। उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर मैंने देखा बहुत ही शानदार है, उसके बारे में बताइए किस लाइन से है? वो देवराम का बेटा है, देवराम। अच्छा, शेर भाई जगदेव। हाँ हाँ हाँ, और ये जगदेव का नाती है। अच्छा, मंगल सिंह के पास। अच्छा, उनके क्या बोलते, सॉरी, गणेश गुज्जर जी के पास देवराम घोड़ा था, तो उसी का ये बेटा है। अच्छा, राम का। अच्छा, तो आप जब इसको लेके आए, देखिए ग्रे में जैसे अलबक्ष है, अलबक्ष घोड़ा
बहुत मशहूर है जी जी। तो आप ग्रे में क्यों गए कि भाई हमें ग्रे लेना नहीं, चाहिए? हमको अलबक्स को देख के ही शौक आया अच्छा, ग्रे का हाँ। और हमने सोच रखा कि अब हमको ग्रे लेना हाँ। है अच्छा ग्रे लेना है जी। और इतफाक से एक हमारे मित्र हैं जिग्नेश भाई, उन्होंने हमको अहमदाबाद से फोन किया कि ले जाओ कि हाँ यहाँ पे आदित्य स्टार फार्म है हिम्मत नगर में निकुंज भाई सूर्यवंशी का, तो मैं उन्हीं के फार्म पे गया और देखा पसंद आया तो मैं वहाँ से। तो इसकी भी अभी शो की तैयारी चल जी रही है जी, दोनों का शो। क्या उम्र क्या हो गई इसकी? ये भी करीब 15 महीने 15 हाइट तो और हाइट इसकी 62.5+ वो बाहर ही लगा जी था। जी तो आप देख रहे हैं एक छोटे से गांव में इतना शानदार शौक। गांव का थोड़ा सा बता दीजिए किस जगह ये पड़ेगा, कहाँ से करेगा? ये बाराबंकी जिला लगता है मेरा, हैदरगढ़ तहसील जी और पोस्ट त्रिवेदीगंज पखरपुर है। अच्छा जी, अब जैसे आप ग्रे में आ गए ठीक है, आपने सोचा कि भाई चलो ग्रे, लेकिन यहाँ पर एक मुझे जो घोड़ा दिखा ब्लैक कलर का जी जी जी। वो अलग ही कुछ है। ब्लैक कलर का घोड़ा मैंने इसको वही 4-5 महीने का था और इसको मैंने हिसार से लिया था, एक बजरंग वैष्णवी है मैंने उनसे बच्चा लिया था जी। और इसको अपने पास तो क्या लाइन वगैरह क्या है इसकी? ये आलिशान लाइन का है, एक विकास पुनिया के पास घोड़ा अच्छा, था। अच्छा अच्छा तो उसका है ये जी जी। तो उम्र वगैरह क्या हो गई इसकी? इसकी उम्र 5 साल है। 5 साल हाइट की बात करें 62 है जी। तो आप ये देख रहे हैं शानदार घोड़ा है, तो कवरिंग वगैरह स्टार्ट करी क्या? कोई खास नहीं, 4-5-6 घोड़ी क्रॉस करवाई है और अभी रिजल्ट आना बाकी। जैसे है। आपके पास यूपी में आप एक खजाना छुपाए बैठे हैं ठीक है, छोटे से गांव में आओ तो अरे यहाँ पर तो ये है भैया, हम भी चौंक गए कि ये क्या है जी। लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहता है कि हमें दे दो हमें दे दो? अभी तक क्या चल रहा है मार्केट में? जैसे देखिए अभी थोड़ा सा डाउन गया है घोड़ों का ये मारवाड़ी का, लेकिन आपके पास कैसा रिस्पॉन्स है लोगों का? लोग कॉल करते हैं लेने के लिए? हाँ लेने के लिए बहुत सारे कॉल आते रहते हैं, लेकिन अब हमको अपने लिए तैयार करना है स्टॉलियन दोनों बच्चे और ब्लैक वाला भी हमारे बच्चे उस पर सवारी भी करते हैं। तो अभी किसी का इरादा है हटाने का? अब कोई आएगा ब्लैक वाले को देख लेंगे बाकी कोई। तो ब्लैक वाला जो है इसका नाम क्या बताया आपने? इसका दिलशान नाम। और ग्रे वाले का क्या नाम है? ग्रे वाले का लेजेंडर बाहुबली नाम। लेजेंडर बाहुबली है भैया। तो देख रहे हैं आप बच्चों को भी शौक है। बेटा आओ इधर आओ। रघु क्या नाम है आपका? बच्चों को भी शौक है। नाम क्या है बेटा? आत्रेय शुक्ला। ये बताओ कौन सा घोड़ा पसंद है? ब्लैक वाला? इनको ब्लैक पसंद। अच्छा है। तो स्कूल जाते हो इसी से, घोड़े से बैठ के जाते हो? तो किससे जाते हो? गाड़ी से जाते हो? घोड़े से जाया करो। तुम भी इधर आ जाओ, तुम भी आ जाओ इधर, तुम भी आ जाओ। हाँ आ जाओ, देखो इधर सामने। तुम्हारा क्या नाम है? अग्नि। अच्छा शुक्ला, क्या क्या करते हो घोड़े से? बहुत बढ़िया यार, क्या सीन है यार, बताओ यार क्या सीन है ये? तो घोड़े बहुत। कौन सा वाला आपका कौन सा फेवरेट है? ब्लैक वाला। और आपका? आपका सारे तो पापा बैठने देते हैं घोड़े घोड़ी पे, घोड़ों पे बैठते हैं, बैठने देते हैं। तो आप देख रहे हैं बच्चों को भी शौक है, बच्चों को भी शौक है। गोद में आना, अभी ले लेंगे गोद में। अभी आ जाना, अभी आ जाना। तो जैसे आप ये शौक कर रहे हो बच्चों को भी है, आगे की क्या प्लानिंग है? किस तरह से इस व्यापार को या इस ब्रीडिंग को आप लेके आगे जाने की कोशिश करेंगे? देखो व्यापार तो मेरा कोई है नहीं, मेरा तो कॉन्ट्रेक्शन लाइन का काम है। अच्छा। और मैं शौक में रखता हूँ, अब आगे फार्म की तैयारी कर रहा हूँ। फार्म बनाएंगे जी, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। नीयत साफ होती है ना तो सब चीजें हो जाती जी, 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 जी। जब मेरे अश्वनी भाई से पहली बार मुलाकात हुई थी तो मुझे देख के लगा था कि बहुत बड़े शौकीन है ये जी। और वो यहाँ पर आके मुझे लगा, लेकिन आप शो की तैयारी करिए क्योंकि आपके पास जो खजाना यहाँ पर छुपा हुआ है नगीने जी, वो बहुत ही शानदार है और शो में अपना स्थान लाएंगे। आप भी इधर आइए और बताइए सब ठीक ठाक है? आइए इधर आइए, सामने आइए कैमरे के। तो जैसे जब ये लाइन में नहीं थे तो आप कैसे लाए इनको, कैसे किस तरह? हम लोगों का पुश्तैनी जो है शौक है, बाबा दादों के आगे हैं। अच्छा, और ये भी भाई हमारे बहुत परम मित्र हैं, छोटे भाई हैं। तो आपको कभी कभी ये नहीं लगता है कि क्या करवा दिया मैंने? अरे नहीं। वो बहुत पूरे परिवार को पसंद है। अच्छा, सब लोगों को। अच्छा, हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, और सब सभी को पसंद है? सबको पसंद है। तो आपने शौक करवाया है? जी जी, ठीक है ठीक है। तो अश्वनी भाई ये बताइए कि इस शौक के बारे में आपका क्या कहना है, ये कैसा शौक है? घोड़ों का शौक तो वैसे भी बहुत शानदार शौक है। अच्छा,
और आप तो जान ही रहे हैं घोड़ों की दुनिया में सारा दिन टहल ही रहे हैं, तो जिसको घोड़े का शौक लग जाए उसके लिए क्या कहना, सारे काम भूल जाएगा। मैं टाइम निकाल के सारा दिन घोड़ों में एक दो चक्कर आता जरूर हूँ, और मेरी साइड बहुत दूर चलती है 150-200 किलोमीटर, लेकिन पर डे आ ही जाता हूँ। ये शौक है बस, बस शौक। तो जैसे कोई नया पालता है तो क्या अच्छा है, शौक पाले बाबू उसके ऊपर है कैसे क्या कर सकता है, बाकी शौक तो अच्छा है, जिसको लग गया उसके मरते दम तक तो छूटेगा नहीं हमारी समझ से, और इसकी लीद जिसके नाक में लग गई तो उसका शौक जाना नहीं है, सारे नशे बेकार है इस नशे के आगे, ये मानिए घोड़ों का शौक ऐसा नशा है। तो आप देख रहे हैं ये मैं बाराबंकी में हूँ, गांव का नाम आपने बताया क्या, ग्राम पखरपुर पोस्ट त्रिवेदीगंज तहसील हैदरगढ़ जिला बाराबंकी लखनऊ उत्तर प्रदेश। और कहीं भी जाएं इधर एरिया में तो पूछ लेंगे अश्वनी भाई साहब क्या जाना है, तो भेज देंगे, क्यों बेटा भेज देंगे ना, भेज देंगे घोड़े वालों के नाम से। अश्वनी भाई आपके मैंने घोड़े देखे, बड़ा मुझे अच्छा लगा जी, जी, और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि जिस लिए आपने पाले हैं नाम करने के लिए उसमें वो खड़े उतरे और ऐसे ही आपका शौक बरकरार रहे। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपका भी धन्यवाद। थैंक यू, और आप लोगों का भी धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए मज़े कीजिए।